सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। बच्चों, आप सभी लोगों का कक्षा चौथी के हिंदी विषय में स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पानी और रसगुल्ले। बच्चों, अब आगे है पाठ परिचय। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसे व्यर्थ न बहाने के लिए तर्क संगत विचार एकांकी के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों का को पता है कि हमारे जीवन में पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर पानी न हो तो हम अपना कोई काम नहीं कर सकते, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमें कभी भी पानी को यूं ही व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें हमेशा सोच समझकर पानी का उपयोग करना चाहिए। इस पाठ में यही इस यह जो पाठ है यह एक एक एकांकी है और इसके माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हमें पानी को बचाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब इसमें तीन पात्र हैं, इस एकांकी के तीन पात्र हैं। पहला है मुन्नु, दूसरा है भैया और तीसरी है भाभी। एक मध्यवर्गीय परिवार के खाने का कमरा जिसमें एक शीशे की अलमारी तथा एक मेज है। एक तरफ चार कुर्सियां हैं, एक घड़ी टंगी हुई है जिसमें 6:15 बज रहे हैं। मेज पर चाय के प्याले, चीनी और दूध रखा है। 10 वर्ष का मुन्नु अपनी भाभी के पास बैठा है। तो बच्चों, इस पाठ के तीन पात्र हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बताया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपने हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर एक अलमारी रखी हुई है और एक डाइनिंग टेबल है जिसके यहाँ पर चार कुर्सियाँ भी रखी हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक घड़ी भी टंगी हुई है जिसमें समय बताया जा रहा है कि 6:15 हैं और चाय की प्याली रखी हुई है और एक छोटा बच्चा है जो 10 साल का है और वो अपनी भाभी के पास बैठा हुआ है। मुन्नू, भाभी 6:15 बज गए, आज अभी तक भैया नहीं आए? भाभी, आते ही साइकिल की आवाज, उठकर चलते हुए, लो भैया आ गए। मुन्नू अंदर की तरफ चलता है और उसी समय लौटकर, वह तो शीला के पिताजी थे भाभी। बच्चों, यहाँ पर हम मुन्नू की बेसब्री को देख रहे हैं। वह घड़ी में देख रहा है कि 6:15 बज गए हैं, लेकिन उसके भैया अभी तक नहीं आए हैं और वो भाभी से पूछता है कि भाभी, आज अभी तक भैया क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों हो रहा है? शायद उसे भैया का इंतजार है, इसीलिए वो भैया की बेसब्री से राह देख रहा है। भाभी, मुन्नू तुम दूध पीकर खेल आओ, क्या पता दफ्तर में काम अधिक हो, शायद उन्हें देर हो जाए। मुन्नू, मगर भाभी मैंने आज रसगुल्ले मंगाए हैं। देखिए, भाभी मुन्नू को समझा रही है कि भैया को शायद आने में देर हो जाए। मुन्नू, तुम जाओ दूध पीकर और खेल कर आ जाओ, भैया की राह मत देखो। लेकिन मुन्नू क्या कहता है कि भाभी मैंने तो आज रसगुल्ले मंगवाए हैं भैया से, इसीलिए वो भैया का इंतजार कर रहा है। बच्चों, भाभी वह रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे, खेल कर खा लेना। मुन्नू, नहीं भाभी मैं ताजा ताजा रसगुल्ले खाऊंगा। भैया प्रवेश करते हुए, ताजा ही नहीं बिल्कुल ठंडे ठंडे खाओ और खूब खाओ। मुन्नू, बड़े अच्छे हैं मेरे भैया। मुन्नू खड़ा होकर कूद कूद कर गाते हुए, बड़े भले हैं मेरे भैया, मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले,
बच्चों, अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और वो आपको मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे ही मुन्नू को जब रसगुल्ले मिल जाते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी भैया के लिए गाना गाने लगता है। भाभी, अरे मुन्नू कब तक गाएगा, जा हाथ धोकर जल्दी आ, तब तक मैं चाय लाती हूँ। मुन्नू अभी आया हाथ धोकर। मुन्नू एक तरफ और भाभी दूसरी तरफ जाती है। भैया शाम का समाचार पत्र पढ़ते हैं। मुन्नू नल खुला छोड़कर आता है और भाभी केतली लेकर कमरे में प्रवेश करती है। बच्चों, अब मुन्नू को रसगुल्ले खाने की इतनी जल्दी है, वो सोचता है मैं कितनी जल्दी से रसगुल्ले गर्मा गर्म खा लूं। इस खुशी में वो हाथ धोने जाता है लेकिन नल बंद करना भूल जाता है और उसी समय भाभी भी चाय की केतली लेकर कमरे में प्रवेश करती है, आती हैं। भैया अखबार मेज पर रखते हुए, मुन्नू तुम नल बंद करके नहीं आए? मुन्नू, ओह मैं भूल गया। भैया तो फिर जाओ नल बंद करके आओ। भाभी, अजी नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए, कब से बैठा रसगुल्लों की प्रतीक्षा कर रहा है। बच्चों, यहाँ पर प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार करना। भाभी कहती है कि पहले उसे रसगुल्ले खा लेने दीजिए, फिर वो जाकर नल भी बंद कर देगा, बेचारा कब से रसगुल्लों की राह देख रहा है। भैया, जहाँ इतनी देर प्रतीक्षा की है वहाँ कुछ मिनट और सही। भाभी मुन्नू की तरफ रसगुल्लों की प्लेट बढ़ाते हुए, आज 5-7 मिनट नल खुला ही रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। मुन्नू रसगुल्ले को हाथ में पकड़े, भैया पानी से सस्ती और क्या चीज है। देखिए मुन्नू तो यहाँ पर बच्चों छोटा है, इसलिए उसे ये बात समझ में नहीं आती कि पानी हमारे लिए कितनी किफायती चीज है। पानी का कभी भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो तो छोटा है इसलिए वो सोचता है कि पानी तो बहुत ही सस्ती चीज है, उससे महंगी तो ये रसगुल्ले है, इसलिए वो कहता है पानी से भी सस्ती कोई चीज है क्या। भैया नहीं मुन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है, पानी सस्ता है तो क्या हुआ, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पानी हमारे लिए, सारे मोहल्ले के लिए, देश के लिए और समस्त प्राणी जगत के लिए आवश्यक है। बच्चों यहाँ पर भैया मुन्नू को यह बात समझाते हैं कि पानी हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है, अगर पानी नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पानी के बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। पानी हमारे लिए, सारे मोहल्ले के लिए और पूरे देश के लिए, इवन सारे समस्त संसार के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। भाभी हाँ यह तो आप ठीक कह रहे हैं। भैया पानी राष्ट्रीय धन है, इसको जरा सा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है, इसलिए हमें इसे बहुत ही संभाल कर यूज करना चाहिए। जहां पर इसका उपयोग नहीं हो रहा है वहां पर इसे बचाना चाहिए, तो हमें कभी भी बच्चों पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मुन्नो आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराध, वह कैसे? भैया यो समझो मुन्नो, कभी तुम नल खुला छोड़ आए, कभी बिमला और कभी नौकर ने यह भूल की। भाभी माना कि छोड़ तो दिया, पर यह राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? भैया यो समझो कि यदि एक नल एक घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा वर्ष में। अब बच्चों यहाँ पर भैया जो है वो भाभी को और मुन्नू को, दोनों को ही पानी के महत्व को समझा रहे हैं कि यदि हम एक घंटा भी नल खुला रख दे तो यह कितनी बड़ी गलती होगी, कितना नुकसान हो सकता है हमारे देश का। तो भैया यही बात समझा रहे हैं। भाभी कितना बह जाएगा भला? भैया इस प्रकार की गलती से लगभग 12,000 गैलन पानी बह जाएगा,
देखिए भैया यहाँ पर भाभी को यह बात समझाते हैं कि अगर एक घंटे नल खुला रह गया तो समझिए कि 12,000 गैलन पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा बच्चों, बर्बाद हो जाएगा। मुन्नू आश्चर्य से, 12,000 गैलन? भैया हाँ हाँ, कम से कम 12,000 गैलन पानी, यह भी तब जब आधा इंच वाला नल हुआ तो। यदि नल इससे बड़ा हुआ तो इससे अधिक पानी नष्ट होगा। मुन्नू यह तो बहुत हुआ, क्यों भैया इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे? भैया कम से कम 5 रुपए प्रति 1,000 गैलन के हिसाब से पूरे 60 रुपए। मुन्नू हिसाब लगाकर, यानी कि 6 रसगुल्ले गए। देखिए मुन्नू है तो 10 वर्ष का बच्चों, लेकिन उसे ये बात आसानी से समझ में आ गई कि हमें कभी भी पानी को यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर हमने एक घंटे भी नल खुले रख दिए तो पूरे 60 रुपए का नुकसान होगा, यानी 6 रसगुल्लों का नुकसान हो जाएगा। बच्चों अब आगे है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। क, मुन्नू भैया का किस लिए इंतजार कर रहा है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है घूमने जाने के लिए, दूसरा है रसगुल्ले खाने के लिए और तीसरा है हलवा खाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, दूसरा, रसगुल्ले खाने के लिए। ख है, मुन्नू कौन सा कार्य करना भूल गया? पहला है गैस बंद करना, दूसरा है नल बंद करना और तीसरा है गृह कार्य करना। दूसरा है नल बंद करना। बच्चों तो ये है अब आपका उत्तर, चेक कर लीजिए। क का दूसरा, रसगुल्ले खाने के लिए, ख का भी दूसरा, नल बंद करना। आगे है ग, भैया ने मुन्नू को रसगुल्ला खाने से पहले क्या करने के लिए कहा? पहला है रोटी खाने के लिए, दूसरा है नल बंद करने के लिए और तीसरा है गैस बंद करने के लिए। दूसरा है नल बंद करने के लिए। घ, भैया ने किसे राष्ट्रीय अपराध कहा? पानी की बर्बादी को, पशुओं को तंग करने को, तीसरा है, दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है पानी की बर्बादी को। बच्चों अब इसका उत्तर है ग का दूसरा, नल बंद करने के लिए, और घ का पहला है पानी की बर्बादी को। तो आप इसे टिक कर लीजिए। भैया ठीक, तो तुम ठीक समझे? मुन्नू, नहीं भैया यह नहीं हो सकता, मैं 6 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा, अभी जाकर नल बंद करता हूँ। मुन्नू उठता है, भैया हाँ जल्दी से नल बंद कर आओ। भाभी, मुन्नू तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, मैं नल बंद कर आई हूँ। देखिए यहाँ पर मुन्नू को यह बात समझ में आ गई कि किस तरह से हमें पानी बचाना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमने पानी बर्बाद किया तो उसने एक घंटे का हिसाब लगाकर यह बताया कि उसके 6 रसगुल्ले ऐसे ही वेस्ट हो गए, बह जाएंगे, अर्थात 6 रसगुल्लों के पैसे उसमें चले जाएंगे। तो भैया ने बहुत ही आसान सा उदाहरण देकर मुन्नू को ये बात समझाई यहाँ पर, और वो जल्दी से उठकर नल बंद करने जाता है, लेकिन भाभी उसे मना करती हैं कि उन्होंने नल बंद कर दिया है। मुन्नू, धन्यवाद भाभी। भाभी, कोई बात नहीं, पर एक बात तो समझाइए। भैया, बोलो क्या? भाभी, हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा दे देते हैं, फिर यह राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? भाभी भैया से यह सवाल करती है कि जब हम पानी का पैसा भरते ही हैं तो हम कितना भी पानी बहाएं तो यह राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? अब देखिए आगे भैया कैसे समझाते हैं। भैया, हर वह चीज राष्ट्रीय धन है जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। मुन्नू, क्या प्रभाव पड़ता है? भैया, मुन्नू क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है? बच्चों अब यहाँ पर भैया ने एक बहुत ही सच्ची बात कही है कि हर एक वह चीज़ राष्ट्रीय धन है जिसके कम या अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
वह जैसे वह कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनके कम और ज़्यादा होने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो यही उदाहरण देकर भैया यहाँ पर समझा रहे हैं। मुन्नु, हमारे यहाँ तो यमुना नदी से आता है। भैया, पानी यमुना नदी से अपने आप नलों में नहीं चला जाता, सरकार बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाने का इंतजाम करती है। अब जरा यह बताओ, भला 12,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए कितनी बिजली खर्च होती है? देखिए बच्चों, यहाँ पर भैया ने बहुत ही आसान तरीके से ये समझाया है कि यमुना नदी के पानी को किस तरह से नलों द्वारा आपके घरों तक पहुँचाया जाता है और इसके लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होती है। मुन्नो, यह तो बड़ी भारी हानि होती है। भैया, यह हानि इसलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। इसलिए यदि हम किसी भी प्रकार बिजली को नष्ट करते हैं तो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और देश के बढ़ते हुए उत्पादन को रोकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही आसान उदाहरण द्वारा आपको यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार से हमें पानी और बिजली दोनों को ही बचाने की कोशिश करनी चाहिए और किस तरह से हमारे देश के बढ़ते हुए उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिमला, देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? भैया, जो बिजली हमने नष्ट कर दी उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता। बच्चों, उत्पादन का अर्थ होता है वस्तुओं का निर्माण करना और नष्ट का अर्थ होता है खत्म या समाप्त होना। बिमला हंसकर, क्या खूब, किसान कोयला जलाता, पर किसान के कोयला न जलाने से उत्पादन घट जाता है, समझ नहीं आया। अब यहाँ पर भैया ने यह बात बताई कि जो बिजली हमने नष्ट कर दी, अब धोबी के पास बिजली नहीं है, नहीं तो वो कपड़े उससे प्रेस कर लेता, इसलिए वो कपड़े प्रेस करने के लिए क्या करता है, कोयला जलाता है और फिर कपड़े प्रेस करता है। यदि वह कोयला बचता तो किसान उसे यूज कर लेता, पर किसान के लिए तो कोयला बचा ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, उत्पादन घट जाता है और देश को नुकसान होता है। मुन्नु, आप ही हिसाब लगाओ भैया, कम से कम 10 यूनिट बिजली, भाभी बस सिर्फ 10 यूनिट। भैया, 10 यूनिट बिजली कुछ कम होती है? 10 यूनिट बिजली में 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है या तुम 480 कपड़ों पर इस्त्री कर सकती हो। बिमला आश्चर्य से, 480 कपड़ों पर इस्त्री? देखिए बच्चों, यहाँ पर भैया ने कितना सटीक और सुंदर उदाहरण देकर बिजली को बचाने की बात कही है और किस प्रकार से अगर हम बिजली बचाते नहीं है तो कितना नुकसान हो जाता है हमारा और साथ ही देश का भी। भैया, यो समझो, इससे वह गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते हैं। मुन्नू, और उसकी खाद से किसान अधिक अन्न उपजा सकता था, यही कहना चाहते हैं ना भैया? भैया, तुम ठीक समझे मुन्नू? भाभी आश्चर्य से, मगर इस छोटी सी बात का देश पर इतना प्रभाव पड़ता है, समझ में नहीं आया। देखिए मुन्नो को तो यह बात समझ में आ गया, लेकिन भाभी को अभी तक यह बात समझ में नहीं आई। अब भैया आगे कैसे समझाएंगे, चलिए देखते हैं। भैया, सीधी सादी बात है, कण कण जोड़े मन जुड़े, यह गलती कोई अकेले हम तो नहीं करते। मुन्नो, अब समझा कि बिजली पानी कितने बड़े राष्ट्रीय धन है। भैया, चलो समझ तो गए। मुन्नो, अब हम रसगुल्ले खाएं? भैया,
तुमने इन रसगुल्लों के लिए बड़ी प्रतीक्षा की, इसलिए खूब खाओ। अब भैया ने यहाँ पर जो जो उदाहरण दिए उससे भाभी को और मुन्नू को यह बात समझ में आ गया कि किस प्रकार से पानी और बिजली की बचत हमें करनी चाहिए। अब मुन्नू कहता है कि क्या हम रसगुल्ले खा ले, तो भैया कहते हैं हाँ, तुमने इन्हें खाने के लिए बहुत इंतजार किया, इसलिए ढेर सारे रसगुल्ले खाओ। मुन्नू, रसगुल्ले बाद में खाऊंगा, बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले वह बंद कर दूँ। मुन्नू उठकर जाता है। भैया, ठीक है, जादू वह जो सर पर चढ़कर बोले, ज्ञान वह जो उपयोग में लाया जाए। देखिए, यहाँ पर जब मुन्नू को ये बात समझ में आ गई कि हमें नल का पानी यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके अलावा उसे पानी के साथ साथ बिजली की बचत भी कैसे करनी चाहिए यह भी बात समझ में आ गई। वह देखता है कि जो बाजू वाला कमरा है, दूसरा कमरा है, वहां पर पंखा चल रहा है, तो वो कहता है रसगुल्ले तो मैं खाऊंगा लेकिन पंखा बंद करने के बाद। तब भैया कहते हैं कि ज्ञान वही है जो उपयोग में लाया जाए। भाभी, अरे बातों बातों में मुझे बिजली की अंगीठी बंद करना तो याद ही नहीं रहा। भैया खड़े होकर, हम सबको राष्ट्रीय धन का सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें राष्ट्रीय धन का उपयोग करना चाहिए। और फिर पर्दा गिरता है। अब आपकी एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। अंग, मुन्नों के अनुसार पूरे वर्ष पानी बर्बाद होने पर कितने रसगुल्लों का पैसा बर्बाद हो जाएगा? 2 रसगुल्लों का, 4 रसगुल्लों का, 6 रसगुल्लों का। करेक्ट आंसर है 6 रसगुल्लों का। 6 है, भैया के हिसाब से 12,000 गैलन पानी चढ़ाने में कितनी बिजली खर्च होती है? 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट। चलिए बच्चों, जल्दी से सोचकर आपको इसका उत्तर बताना है। बच्चों, आगे है 6। भैया के अनुसार राष्ट्रीय धन कौन कौन से हैं? बिजली पानी, चावल दाल, अनाज पानी। तो बच्चों, अब मैं आपको तीनों का उत्तर यहाँ पर दिखा रही हूँ। अंग का है तीसरा, 6 रसगुल्लों के लिए। च का है दूसरा, 10 यूनिट। और 6 का है पहला, बिजली पानी। तो जल्दी से आप इन्हें टिक कर लीजिए। बच्चों, अब आगे है शब्दार्थ। पहला है मध्यवर्गीय, इसका अर्थ होता है समाज में मध्य रैंक का एक आदमी। दूसरा है ताजा, ताजा का अर्थ है नया, स्वच्छ। अखबार, अखबार का अर्थ है समाचार पत्र। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। वर्ष, वर्ष का अर्थ है साल। राष्ट्रीय धन, देश की संपत्ति। अपराध, अपराध का अर्थ है जुर्म, दुष्टता। उत्पादन, वस्तुओं का निर्माण। आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब। बच्चों, यहाँ पर अब एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र को देखकर लिखो कि इसमें क्या हो रहा है। दिए गए चित्र में नल खुला है और पानी व्यर्थ बह रहा है। बच्चों, आगे एक और प्रश्न दिया गया है, ऊपर का चित्र देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या हमें पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए? क्यों, क्यों नहीं? क में हम लिखेंगे, हमें पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, क्योंकि पानी ही हमारे जीवन का आधार है। ख, अगर हमने इसे नहीं रोका तो आने वाले समय में पानी का अभाव निश्चित है। बच्चों, आगे है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे लिखो। क, मुन्नू तुम दूध पीकर खेल आओ, भाभी ने मुन्नू से कहा। ख है, हाँ यह तो आप ठीक कह रहे हो, भाभी ने भैया से कहा। कम से कम 10 यूनिट बिजली, भैया ने
मुन्नू से कहा, देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? बिमला ने भैया से कहा। बच्चों अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। भैया दफ्तर से आ गए थे, मैं नल बंद कर रही हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ भी करूँगा। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में काम हो चुका है, दूसरे वाक्य में काम चल रहा है और तीसरे वाक्य में काम किया जाएगा। काम किस समय हो रहा है इसकी जानकारी हमें काल से ही मिलती है। काल तीन प्रकार के होते हैं, पहला है भूतकाल, काम समाप्त हो गया, इसमें हमें यह पता चलता है कि काम समाप्त हो गया है। दूसरा है वर्तमान काल, इसमें हमें यह पता चलता है कि काम चल रहा है। भविष्यकाल, भविष्यकाल में काम किया जाएगा, ऐसे हमें पता चलता है। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया किस काल में हो रही है, सही मिलान करो। क है पौने छः बज गए, भूतकाल, शायद उन्हें देर हो जाए। भविष्यकाल, मैं ताज़ा ताज़ा रसगुल्ले खाऊंगा। भविष्यकाल, तुम नल खुला छोड़ आए। भूतकाल, जाकर नल बंद करता हूँ। वर्तमान काल, कमरे में पंखा चल रहा है। वर्तमान काल। बच्चों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के तौर पर दो प्रश्न पूछे गए हैं, आप पानी को कैसे बचा सकते हो, कोई भी दो उपाय लिखो। और दूसरा पूछा गया है कि राष्ट्रीय धन में और क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। पहले में हम बच्चों लिख सकते हैं नल ठीक से बंद करके, और दूसरा है बहते हुए सरकारी नल की शिकायत दर्ज करवा कर, मतलब इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय धन में वन, बिजली, जीवाश्म ईंधन, पेड़ आदि शामिल होते हैं। बच्चों आगे है श्रुतले, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है रसगुल्ले, दूसरा है प्रवेश, तीसरा है प्रतीक्षा, चौथा है सस्ता, पांचवा है राष्ट्रीय, छठा है प्रतिदिन, सातवा है धन्यवाद, आठवा है उत्पादन, नौवा है आवश्यक, दसवा है यूनिट। तो बच्चों अब हमारा ये जो पाठ का स्पष्टीकरण था, इसके अलावा पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और श्रुतलेख, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद बच्चों।